नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी में नजर आने वाली है खास हसीना। कौन है ये हसीना? आपको बता दें, इस हसीना का सलमान खान के साथ है खास नाता। जरा सोचिए कौन है वो हसीना। तो आपको बता दें, ये हसीना है जैकलीन फर्नांडीज। जी हाँ, अक्षय कुमार अगले हफ्ते अपनी नई धमाकेदार फिल्म केसरी के जरिए सिनेमा घरों में दस्तक देने वाले हैं। जहाँ फैंस अक्षय की इस फिल्म को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं, वहीं सूर्यवंशी का भी उन्हें तहे दिल से इंतजार है। हाल ही में निर्माताओं ने इस फिल्म के पहले लुक को जारी करते हुए जानकारी दी थी कि ये फिल्म अगले साल ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी करने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इस फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट कौन सी एक्ट्रेस नजर आ सकती है। तो आपको बता दें, सोर्सेस की माने तो इस फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट जैकलीन फर्नांडीज नजर आ सकती हैं। जी हाँ, सुनने में आया है कि इस फिल्म में जैकलीन को कास्ट करने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, क्योंकि अक्षय और जैकलीन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को पहले भी दर्शक पसंद कर चुके हैं। बता दें, जैकलीन और अक्षय साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म हाउसफुल 3 में नजर आ चुके हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगर जैकलीन रोहित की फिल्म को करने के लिए हामी भरती हैं, तो यकीनन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस के कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। इस फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह स्पेशल अपीयरेंस में नजर आने वाले हैं। अजय, रणवीर और अक्षय को बड़े पर्दे पर देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें, ईद एक त्योहार होने के साथ साथ बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के लिए फिल्म रिलीज करने का मौका भी होता है, लेकिन अगले साल इस मौके पर अक्षय कुमार ने भुना लिया है। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सूर्यवंशी काफी चर्चाओं में है, खासतौर पर अपने रिलीज डेट को लेकर। फिल्म अगले साल ईद के दिन रिलीज होगी। ऐसी खबरें थी कि अक्षय कुमार ने सूर्यवंशी की रिलीज डेट तय करने से पहले सलमान खान से बात की थी। हालांकि हाल की खबरों की माने तो अक्षय कुमार ने इस बात को सिर्फ मनगढ़ंत बताया है और सलमान से बात के लिए इनकार किया है। अक्षय कुमार अपनी फिल्म केसरी के एक इवेंट के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान अक्षय ने बताया कि उन्होंने सूर्यवंशी की डेट फाइनल करने के लिए सलमान को कोई फोन नहीं किया, तो यानी कि 2020 की ईद पर अक्की का जलवा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।